जिस तरह की तुसी जानते हो कि वोटां दी गिनती दा दिन नज़दीक आ गया है। वोटां दी होण वाली गिनती नू लैके डीसी गुरदासपुर ने कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुहानू दस दिए कि 10 मार्च काउंटिंग डे नू लैके जिले गुरदासपुर अंदर तैयारियां मुकम्मल कर लईयां गईयां हन। उत्थे ही दसन योग है कि जिले गुरदासपुर अंदर 7 विधानसभा हल्के पैंदे हन, जिन्हां दी गिनती सुखजिंदरा ग्रुप आफ कॉलेज अंदर 7 वख-वख काउंटिंग सेंटर अंदर होवेगी। आओ तुहानू दिखाउने आ साडे सीनियर रिपोर्टर जितेंद्र सिंह औलख की विशेष रिपोर्ट। सारी तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा चुकियां ने। साडे गुरदासपुर जिले दे विच 7 विधानसभा हल्के ने, 7 दी जिहड़ी काउंटिंग है वह इसे वेन्यू सुखजिंदरा कॉलेज विखे होएगी। काउंटिंग लई काउंटिंग हाल सारे तैयार हो गए ने। काउंटिंग वास्ते जिहड़े प्रबंध ने जिवें कि EVM काउंटिंग, पोस्ट बैलेट काउंटिंग, ETPVS स्कैनिंग, ये सारे सिस्टम इंस्टॉल हो चुके ने। स्कैनिंग डिवाइस जिहड़े ने साडे वो चालू हालत च ने, प्रॉपर टेबल लग चुके ने, सारा जिहड़ा साडा अरेंजमेंट है मुकम्मल हो चुके है। जो साडा सिस्टम है कि काउंटिंग सही 8 बजे शुरू हो जानी है, पहला पोस्ट बैलेट काउंट होने शुरू होने हैं और नाल ही स्कैनिंग शुरू हो जाने, आप प्री काउंटिंग कहने हैं। तो जिहड़े साडे काउंटिंग स्टाफ है वो 6 बजे इत्थे आ जाएगा। कैंडिडेट साहबान नूं भी रिक्वेस्ट है भी 7 बजे तक अपने अपने उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स वो पहुँच जाए। कैंडिडेट्स के लिए पार्किंग का अरेंजमेंट गेट नंबर 3 तो किया गया, उत्थे उन्होंने इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट की गड्डी खड़ी सकती है, अगे वो आ सकते हैं। जिहड़े काउंटिंग एजेंट्स ने उन्हां दा अरेंजमेंट बिल्डिंग के बाहर विशेष पार्किंग बना के किया गया और हर स्थान के उपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं, जिदे नाल साडा जिहड़ा सिस्टम है सही तरीके नाल चलता रहे। और असी ये अपील करते हैं कि एक तो इलेक्शन दे रिजल्ट डिकलेयर होने तो बाद कोई विक्टरी प्रोसेशन अलाउड नहीं है, इहदी सख्ती नाल पालना की जाए। इस प्रकार जो रिजल्ट डिकलेयर होंदा है तो केवल 2 बंदे ही सर्टिफिकेट लैन लई आउणगे, किसी भीड़ नूं उत्थे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन दीआं स्ट्रिक्ट शर्तां ने। काउंटिंग का सारा प्रबंध जो मानयोग चोन कमीशन दी हदायतां ने उहदे अनुसार मुकम्मल कर दिता गया है। सारे स्टाफ नूं पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। काउंटिंग एजेंट स्मार्ट से प्रबंध किए गए हैं। सैनिटेशन का, बाथरूम का, पीने वाले पानी का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। तो साडी जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि कल असी समय सिर अपनी काउंटिंग शुरू करके और जल्दी जल्दी रिजल्ट कढ़ीए। और जिहड़ा रिजल्ट है वो असी जिहड़ा मीडिया सेंटर बनाया इत्थे भी अनाउंस किया जाएगा, हाल दे विच भी अनाउंस किया जाएगा। इस तों इलावा इस बारी पहली बारी हो रहा है कि माननीय इलेक्शन कमीशन द्वारा एक एनकोर नाम की ऑनलाइन फैसिलिटी बनाई गई है, जिदे जो राउंड फाइनल होंदा है उहदा रिजल्ट उत्थे अपडेट होएगा। जो ही रिजल्ट उत्थे अपडेट होएगा तो पब्लिक डोमेन दे विच असी अपने ऑनलाइन जिहड़ी वैबसाइट है CO साहब दे अपने या इलेक्शन कमीशन की वो तो देख पावांगे। बाकी सारे ट्रेंड इत्थे अवेलेबल होणगे। और जिहड़ा हॉल च आपां बैठे हाँ ये मीडिया साथी लई बनाया गया, इत्थे TV भी लगा दिए गए हैं। साडे जिहड़े काउंटिंग सेंटर की जिहड़ी लाइव फीड है वो इत्थे भी अवेलेबल है। सो जे कोई इत्थे बैठ के देखना चाहुंदा इत्थे बैठ के भी देख सकदा। सो बेसिकली साढ़े 14 EVM काउंटिंग के लिए, उस तो अलावा उन्होंने एक टेबल बनाया गया है VVPAT काउंटिंग भी लिए, उन्होंने आप VCU भी कह दें। और इस तो अलावा पोस्ट बैलेट के अनुसार सारे टेबल लगाए ने, जिस किसी विधानसभा हल्के के 1000 तो घट पोस्ट बैलेट आए हैं उत्थे 2 पोस्ट बैलेट टेबल लगाए गए हैं। जिहड़े विधानसभा हल्के 2000 के आसपास आए हैं उत्थे 4 पोस्ट बैलेट टेबल काउंटिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि क्योंकि पोस्ट बैलेट की काउंटिंग में समा ज़्यादा लगता है। साडी कोशिश है कि एक टेबल के उपर 500 पोस्ट बैलेट पेपर जिहड़े है 3 घंटे काउंट हो जाए। जो कोई 20-50 बंदे होणगे तो आने 1.5-2 घंटे के भी पूरे हो जाए।